विधि का विधान जो लिखा है वो तो होगा, तो फिर शिव पुराण काहे को सुने अगर विधि का विधान होगा तो? भाग्य में लिखा हुआ यदि होगा तो फिर हम शिव पुराण क्यों सुने? उसका एक सुंदर चरित्र आता है। भागवत जी सुनिए आप लोगों ने, बोलो बोलो जरा सुनिए। उसमें राजा परीक्षित का चरित्र आता है। राजा परीक्षित को जब तक्षक नक डस लेता है तो उसके बच्चों का चरित्र आता है जन्मेजय का, जिन्होंने सर्प यज्ञ करा था। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। पृथ्वी पर जन्म लिया है तो दुख सुख तो चलेगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे दुख को, मेरे पास में ऐसी मौली है, मैं एक बेल दूंगा बांध लेना और दुख मिट जाएगा, फालतू की बात। जन्मेजय की कथा कर रही है। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय वेदव्यास जी के सामने जाके बैठ गया। वेदव्यास जी को दंडवत प्रणाम करा जन्मेजय ने, और वेदव्यास जी को प्रणाम कर वेदव्यास जी से कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई गुरु जी। वेदव्यास जी ने पूछा कौन सी बात? भगवान कृष्ण थे आप, वेदव्यास जी थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, इतने बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक और बड़े बड़े भविष्य के वक्ता, जो दूसरे का भाग्य देखकर बता दें, इतने बड़े बड़े भविष्य के वक्ता बैठे थे, उसके बाद भी पांडवों का और कौरवों का युद्ध हो गया, आपने वो युद्ध टाला नहीं, आपने वो युद्ध समाप्त नहीं किया। इतने बड़े बड़े भविष्य के वक्ता बैठे हुए थे, इतने बड़े बड़े गुरुजन बैठे हुए थे, अगर कौरव और पांडवों के उस समय को तुम टाल देते, उस समय को अगर समाप्त कर देते तो युद्ध होता क्या? इतना बोलने के बाद में वेदव्यास जी ने कहा जो भाग्य में लिखा है वो तो होता है, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। इतने में जन्मेजय परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कहा कैसे नहीं टाल सकता, अगर मैं होता ना तो मेरा पुरुषार्थ आप देखते और मेरे पुरुषार्थ को देखते तो मैं ये युद्ध टाल सकता था, मैं युद्ध होने नहीं देता। बहुत सावधानी से सुनना अष्ट विनायक शिव पुराण की कथा। मैं होता तो इस युद्ध को नहीं होने देता, मैं होता तो यह सारा युद्ध टल जाता। वेदव्यास जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता, जो ललाट पर लिखा है उसको टालना बड़ा मुश्किल है, उसको समाप्त करना बड़ा मुश्किल है, उसको टालना बड़ा मुश्किल। जन्मेजय ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं होता ना उस समय पर मैं सब निपट लेता, युद्ध नहीं होने देता, मैं पक्का कह रहा हूं, इतने लोग नहीं मरते और तुम इतने बड़े बड़े संत बैठे थे, इतने बड़े बड़े गुरु।